So guys, आज के वीडियो में हम अनुभव करने वाले हैं दुबई में एक ऐसा वाटर पार्क ना जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। और इस वाटर पार्क में वाटर राइड्स या वाटर स्लाइड्स जो मर्जी कह लो सब धमाकेदार है, मजेदार है, एक नंबर है बॉस। इसको मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया था भाई, लेजी रिवर बोल के ये तो क्रेजी हो गई। हे गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए ट्रैवल एपिसोड में दुबई सीरीज के। और जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देखा ही है, आज हम अनुभव करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े वाटर पार्क, जी हाँ, एक्वा एडवेंचर, जो कि पाम जुमेरा आइलैंड में है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। हमने इसकी टिकट तो ली है, लेकिन साथ ही साथ लॉस्ट चैम्बर्स एक्वेरियम, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एक्वेरियम माना जाता है, उसकी भी कॉम्बो टिकट ली है। अब ये टिकट प्राइस कितने की पड़ी और यहाँ कैसे आया जाता है वो सारी डिटेल्स देता हूँ। बने रहिए, आपको ये वाटर पार्क के एक्सपीरियंस तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ सारी डिटेल्स भी मिलेगी। जब पाम जुमेरा की मोनो रेल है ना, ऐसा भाग के फ्रंट सीट पकड़नी पड़ती है ना, सब लोग वही कोशिश करते हैं कि जितना आगे हो सके बैठ सके, क्योंकि यहाँ से जो नज़ारे होते हैं ना, ओए होए, बहुत ही अमेजिंग से होते हैं। और ये हमारी राइड शुरू होती है टुवर्ड्स एटलांटिस स्टेशन पे, जो कि आखिरी स्टेशन है पाम जुमेरा बीच का। आ रहे जी, आ रहे भैया, इधर ही आ रहे, सबर रखो थोड़ा, आ रहे। हाँ जी दोस्तों, तो ये हम पहुंच चुके हैं एटलांटिस, जो कि लास्ट स्टॉप है पाम जुमेरा आइलैंड का। बता दूं कि मेट्रो ट्रैम ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है दुबई में, लेकिन ये पाम जुमेरा आइलैंड का जो मोनो रेल है ना भाई साहब, नज़ारे तो बेहतरीन है ही है। आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, काश इस आइलैंड में मेरा भी घर हो। वहाँ पे वो सब भी महंगे है, लेकिन मोनो रेल की टिकट तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल है। इसका कारण ये है कि मेट्रो ट्रैम 4 दिरहम, 5 दिरहम, 6 दिरहम इतना ही लगता है, लेकिन मोनोरेल का सिंगल टिकट वन वे 20 दिरहम, रिटर्न टिकट 30 दिरहम, और डे पास चाहिए तो 35 दिरहम। मतलब मान के चलो, अगर एटलांटिस जो कि लास्ट स्टॉप इधर आना है ना, तो आपको रिटर्न टिकट 30 दिरहम में पड़ेगी, जो मैंने लिए। मेरे को डे पास लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आना जाना थोड़ी करना है बार बार, सिर्फ यहाँ आऊंगा, एक्वेरियम वाटर पार्क कवर करूंगा, इंजॉय करूंगा, चिल करूंगा, उसके बाद शाम में रात में वापस जाऊंगा, बस वही बात है। तो यहाँ के लोकल्स से पूछा, मतलब यहाँ पे जो स्टाफ काम करते ना, कि मेरे पास दोनों टिकट है, एक्वेरियम की भी और वाटर पार्क की, तो पहले किधर जाओ? तो इन्होंने कहा कि पहले आप एक्वेरियम जाओ, वहाँ पे इंजॉय करो, वहाँ पे नजारे देखो, और उसके बाद आप वाटर पार्क जाओ और उधर गिले शिले हो जाओ। मतलब क्या बात है, बात तो सही है। अभी हम जा रहे हैं और अनुभव करेंगे एक्वेरियम। भाई ये क्या चीज है यार, हैं? आधी बाहर निकली हुई, आधी अंदर है, माय गॉड, क्या बात है, ये बात है, ये है वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, यही बेस्ट प्लेस है इनफैक्ट द लॉस्ट चैम्बर्स का, आप देख लो। अरे मजा आता है ना ऐसा सब देखने, और वो भी नजदीक से देखने मिले तो क्या ही कहना यार, वाह। ये वाली मछली तो ऐसा लग रहा पप्पी देने आ रही है किसी को। ये की जगह चिपक गई क्या भाई, क्या कोई डिस्कशन हो रहा है, इनका टीम मीटिंग हो रही है लगता है। ये सेक्शन जिसको कलर से प्यार है ना मेरे जैसे, उसको बड़ा ही अच्छा लगेगा। इसका कारण ये है कि जेम्स के पैकेट जैसा है, रंग बिरंगे छोटी छोटी प्यारी प्यारी मछलियां है ना। सो भाई साहब, हमने देख लिया है लॉस्ट चैम्बर्स, तरह तरह की मछलियाँ वगैरह देख ली। अगर रिकमेंडेशन की बात करूँ, तो जिसने कभी भी लाइफ में एक्वेरियम नहीं देखे है, मछलियाँ नहीं देखी, या फिर देखी हो लेकिन फिर भी सी लाइफ से बहुत प्यार है, मछलियों से बहुत प्यार है, तो वो जा सकता है। बाकी अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इतना कुछ खास नहीं। हाँ, जो मेन चैम्बर है वो बड़ा ही प्यारा है, ढांसू है, बहुत बड़ा है, और अंदर
बहुत सी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। रेट की अगर बात करूँ तो भाई साहब 3,000 रुपये के आसपास है, तो अभी आप ही डिसाइड करो कि वर्थ है कि नहीं। लेकिन मैंने जैसे कि पहले ही आपको बोला था कॉम्बो ले रखा हूँ, तो एक्वा वेंचर का अलग से लोगे तो 7,000 रुपये के आसपास है, इसका अलग से लोगे तो 3,000 रुपये के आसपास है, टोटल होता है 10,000 रुपया। लेकिन मैंने जब कॉम्बो बुक किया था मेरे को लगा 8,700 रुपीज़, मतलब कह सकते हो कि अच्छे रेट में ही पड़ा था, इसलिए मैंने सोचा कि ये भी बुक कर ही लेता हूँ, खुद भी देख लूंगा, आप लोगों को भी दिखा दूंगा लॉस्ट चैम्बर दुबई का। और अभी बारी आती है हमारी एक्वा वेंचर में धमाल मस्ती करने की, जो कि ये रहा ठीक मेरे सामने, मतलब ये मॉल है ना, शॉपिंग मॉल, जहाँ पे फूड कोर्ट शॉपिंग सब चीज़ आप कर सकते हो। इस तरफ जाओगे तो लॉस्ट चैम्बर्स है और इस तरफ जाओगे तो एक्वा वेंचर है, बस वही बात है, सब कनेक्टेड ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। तो ये हमने एंट्री कर लिया एक्वा वेंचर में, और एंट्री करते ही हमको ये घड़ी जैसा कुछ दिया, बोला कि ये पेन लेना, अगर आपको लॉकर या कुछ भी खरीदना है तो इसके सहारे, आई मीन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा फ़ोन में, फिर उसके सहारे आप कुछ भी ट्रांजैक्शन, लॉकर परचेज वगैरह कर सकते हो। मैंने सोचा कि अभी नहीं पहनता हूँ, एक बार बैग में रख दूंगा, अगर कुछ ऐसा नीड हुआ तो इसको पहन लूंगा, है ना। पहले कहाँ जाना चाहिए? पहले लीप ऑफ फेथ। ओके, नेपच्यून टावर, मतलब नेपच्यून टावर में। ओके, सेकंड नेपच्यून टावर में ही शार्क अटैक। अच्छा, ये सब सेक्शन से मतलब? हाँ जी, ये एक टावर का नाम है नेपच्यून टावर। ओके, उस टावर में डिफरेंट स्लाइड है, ये सारी समझ गया, ये पूरा सेक्शन है, तो शुरुआत हम इसी से करें, वो रहा नेपच्यून टावर, राइट? ठीक है ठीक है, समझ गया, थैंक यू सो मच। चलो अभी बहुत हो गई बात, अभी हम करेंगे एक्सपीरियंसेस करना स्टार्ट, लेट्स गो। अब थोड़ी सी करेज करके हम जाने वाले हैं लीप ऑफ फेथ में, जो सबसे डेंजरस राइड है यहाँ पे। भाई साहब इतनी फट रही है ना मेरी सच्ची में, लेकिन फिर भी यहाँ आए और लीप ऑफ फेथ नहीं किया तो क्या ही किया, बस वही बात है। शायद तक हो सकता है ये कैमरा मेरे को ऊपर ही रखना पड़े क्योंकि अलाउड नहीं हो, क्योंकि बहुत डेंजर राइड है, मतलब ऑलमोस्ट 90% आप ऐसा गिरते हो नीचे धपाक करके, अपन तो करेगा भाई। और वो समंदर का व्यू देख लो, वो सामने अटलांटिस, वो आप देख लो, माय गॉड क्या बात है। ओके, लीप ऑफ फेथ। पहली बार ऐसी कोई लेजी रिवर देखी है कि लेजी रिवर में फिर एस्केलेटर है, ये ट्यूब ऐसा ऊपर जाएगा, देख रहे हो, फिर वहाँ से कंटिन्यू होगा नीचे जाके, मतलब कुछ नया है लेजी रिवर में भी। नहीं आइंग, मेरे को लगा नीचे जोर से धड़ांग करके गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं था भाई, जैसे ही ऊपर है वैसे ही नीचे भी है, वही एस्केलेटर से। ओए भाई, ओए 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 तेरी, ये क्रेजी हो गई, लेजी से क्रेजी हो गई ये रिवर, इसको मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया था भाई, लेजी रिवर बोल के ये तो क्रेजी हो गई। नहीं हाँ, From? China. Which city? Which city in China? Province. Huh? Shandong. Weifang. I've been to Shanghai, Wuhan, Chongqing. Oh really? Yeah. You will travel more than hours. Beijing, Shenzhen, Guilin. Travel. Yeah. That's great. Welcome to China. Thank you. Okay, bye. ये ट्यूब कंधे पे लाद के तैयारी हो चुकी है ट्यूब राइड्स करने की, एक से एक ट्यूब राइड्स करेंगे, जो डबल है दो लोग है वो डबल वाली, हम सिंगल है तो हम सिंगल वाले, जो भी है जैसा भी है, मतलब अभी देखते हैं लाइन लगा के पता चलेगा क्या सीन है भाई। ओए!
सिंह टनल है यार, शार्क। कैमरा रखता ही नहीं आता है। हाँ इसलिए क्यों? हाँ सेम यार, सेम यार। बाय बाय। दुनिया की सबसे बड़ी, बाप रे, ये हाइट देख लो, ऐसा सीधा जाएगा और धपक करके उधर जाएगा। देखने से डर लगता है, लेकिन ठीक है, करने में उतना ही मजा आता है भाई, सच कह रहा हूँ। ओ भाई कितना ऊपर है, पूरा दुबई दिख रहा है मेरे को तो, है खत्म ही नहीं हो रही है सीढ़िया। ओ भाई साहब इतने ऊपर से कूदना है क्या नीचे? माय गॉड, और भी है सीढ़िया, तो ख़त्म ही नहीं हो रही है जी सीढ़िया। भाई साहब ये ब्लैकआउट है, बहुत टफेस्ट राइड है और बहुत बड़ी है। अभी ग्रीन सिग्नल हो गया है। टॉप फ्लोर से कूदा हूँ भाई। It's so good. Yeah, blackout. Blackout. Yeah. It was amazing, भाई साहब। मजा आ गया, दिल खुश हो गया। वो जो नेपच्यून का था ना, लीप ऑफ फेथ जो था ना, उससे भी खतरनाक है। आई मीन उससे भी डबल टाइम लगता है आपको इसमें, और एक टाइम पे ऐसा आता है कि 90 डिग्री में सीधा धप करके नीचे। ये बगी का सर्विस अच्छा है भाई साहब, क्योंकि ट्राइडेंट टावर बहुत दूर है और नेपच्यून उस साइड है, ट्राइडेंट टावर इस साइड है। मतलब समझ जाओ दोनों अपोजिट। जैसे नेपच्यून टावर चलते जाओगे ना, बहुत टाइम जाएगा। अब ये बगी ऐसा जाएगा लेके, तो वो अच्छी बात है। भाई साहब कभी भी एक्वावेंचर आओ ना, तो टॉवेल वगैरह लेके आना पहली बात, क्योंकि टॉवेल यहाँ पे रेंट में 35 दिरहम का मिलेगा, जो कि हो जाता है 750 रुपए के आसपास। मतलब बताओ रेंट में 750 का आप टॉवेल ले रहे हो। दूसरी चीज, ये ऐसा सिलिकॉन मतलब कॉटन वगैरह का मत लाना, ये सिलिकॉन ऐसा छड्डी लाना सिल्क वाली, ताकि के आपको अलाउ हो। अगर नहीं लाते हो तो आपको कोई राइड में अलाउ नहीं किया जाएगा, और आपको यहाँ से खरीदना पड़ेगा जिसका कॉस्टिंग है 220 दिरहम्स। बताओ मतलब 220 दिरहम से स्टार्टिंग है कोई भी सस्ती वाली, यानी कि हो जाता है 5000 रुपए का इंडियन करेंसी में। मतलब 5000 का चड्डा बाहर आपको 20 दिरहम में इजीली मिल जाएगा 400 रुपए का। कहाँ 400, कहाँ 5000, बस अटलांटिस लिखा हुआ है और जगह की अहमियत है। बिकॉज पता है ना कि अभी बाहर जाएंगे तो वापस एंटर कर नहीं सकते वो टिकट पे, तो वही बात है, इस हिसाब से 10 गुना रेट है। एनीवेज अगर लॉकर की बात करूँ तो लॉकर का रेट है 60 दिरहम, जो कि अगेन हो जाता है 1300-1350 रुपया, वो भी मीडियम साइज है, लार्ज साइज नहीं। जिसके कारण मैंने कोई लॉकर नहीं लिया था, वो सारी चेयर्स दिख रही है, किसी एक चेयर पे टेक दिया था अपना बैग, और उसी बैग में था मेरा वॉलेट और ये फोन जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ। क्योंकि राइड्स में फोन कैसे ही लेके जाऊँ, तो इंस्टा 360 जो वाटरप्रूफ है ना, वही लेके शूट किया था सब, और ये फोन पर्स सब उस बैग में ही थे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आई मीन मेरे को पता है कि दुबई अबू धाबी में ऐसा चोरी चपाटी होगी नहीं। अच्छा अगर यहाँ पे फूड या फिर रेस्टोरेंट की बात करें ना, तो यहाँ पे टोटल दो रेस्टोरेंट है, एक बराकुडास जहाँ पे मैकडी KFC स्टाइल में कुछ ना कुछ मिलता है, और एक और रेस्टोरेंट है वो ठेठ ट्राइडेंट टावर के उस पार है, मतलब दूर पड़ेगा, लेकिन अंदर जाओगे तो बीइंग वेजिटेरियन के हिसाब से आपको अच्छे खासे ऑप्शन मिलेंगे नहीं। तो इससे अच्छा वही बात है कि थोड़ा बहुत स्नैक्स आप लेके आना, जो कि मैंने भी लाया था, मैंने भी खाया, उसके बाद आप बाहर जाके इंडियन रेस्टोरेंट में सस्ते में भी खा पाओगे और बढ़िया वाला भी खा पाओगे, है ना। अगर टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 9 या 9:30 बजे चालू होता है और शाम के 6 बजे तक रहता है। इनफैक्ट अभी 6:45 हो गए हैं, इसलिए आपको भीड़ दिख नहीं रही है, क्योंकि सब अभी धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं, हम भी रवाना होंगे। तो बस फिर आज का एक्सपीरियंस यहीं पे अपना समाप्त होता है, जिसमें हमने लॉस्ट चैम्बर का एक्वेरियम भी बता दिया, एक्वावेंचर जो मेरे को मेन राइड्स करनी थी वो भी मैंने कंप्लीट कर दी, बिकॉज यहाँ पे मेन 3 सेक्शंस थे और तीनों सेक्शंस में हमने राइड्स कंप्लीट किए। फिर चाहे वो नेपच्यून में फेथ ऑफ लीप हो, या फिर अपन वो पॉइजन डॉन में गए थे वहाँ पे राइड किया था, उसके बाद अपन ट्राइडेंट टावर में लॉन्गेस्ट वाला वो राइड किया,
मतलब सारी चीजें जो करने की इच्छा थी वो कर दी। इनफैक्ट आज मंडे है जिसके कारण हमें भीड़ नहीं दिखी इतनी, वही अगर वीकेंड होता तो भीड़ भी ज्यादा होती। एनीवेज जितने वीडियोस मैंने आपको बताया ना उससे ज्यादा ही मैंने राइड्स किए, क्योंकि हर राइड में शूट अलाउड नहीं होता है। तो इतना मत समझना कि जो मैंने आपको शूट में बताया है वीडियो में बताया है उतने ही राइड्स किए, नहीं ऐसा नहीं है, इससे ज्यादा ही राइड्स किए। मेरा तो यही फंडा है बॉस कि जितनी बार भी जाओ आप दुबई अलग अलग चीजें करो और आप लोगों को दिखाओ, ताकि के आप मेरे दुबई के ढेर सारे वीडियोस देखकर डिसाइड कर सकते हो कि भाई हमें कौन सी चीजें करनी है कौन सी चीजें नहीं करनी है, क्या अपना बजट है फलाना ढिमकाना। तो ये वीडियो यहीं पे अंत करता हूँ, आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा रहेगा। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। चलो अंत में भी बगी मिल गई है एग्जिट के लिए, सही है।